तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं बोट पे, देख सकते हो और कितना शानदार लोकेशन। अस्सलाम वालेकुम जेरी, बदमाश जेरी, ठीक है परेशान नहीं करूंगी, सो जाओ चुपचाप, बाय बाय जेरी बाबा बोलो। एक देख रहे हो जेरी कैसे बाहर निकल रहा है। Hey what's up guys, so welcome back to my other vlog। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो guys पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोगों का रोज़ा कैसा जा रहा है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है और मैं मेरा होम टाउन आया हूँ और मेरे साथ ये बंदर यहाँ आया है, देख सकते हो। अभी 12 बज रहा है और ये नींद से उठा है, ठीक है। मैं बहुत पहले उठी थी, ठीक है, लेकिन मैं फिर सो गई। और यहाँ पर हम लोगों के साथ जेरी भी आया है। जेली 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 सुबह जेली के साथ क्या किया था, क्या किया, सलाद क्यों मारा था, ये ले मैं ऐसा किया था, ऐसा ही कुछ 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 ऐसा किया था। ये लात होता है जेली, नहीं नहीं जेली नहीं, म्याऊं म्याऊं। और हम दोनों ना जेरी को गलत मेडिसिन खिला दिए थे, उसके बाद जेरी का ना तबीयत खराब हो गया था, मतलब पेट खराब हो गया था, लूज मोशन हो रहा था, लेकिन जेरी अभी ठीक हो गया है ना जेली। गलती हमारी भी नहीं थी, जिन्होंने मेडिसिन दी थी उन्होंने, मतलब वो डोज एक बार देना था, ठीक है, और हम लोग चार बार दे दिए थे। चार बार नहीं दिए थे, मतलब दिन में एक ही बार दे, मतलब महीने में उसको एक बार देना था, लेकिन उन्होंने लिखा था कि दिन में एक बार देना, तो हम चार दिन से दे रहे थे। लेकिन जेरी अभी ठीक हो गया है, ठीक हो गया। ओए ये काटता है देखो, और जेरी रेड से काला हो गया, काला हाँ। जेरी देखो काला जेरी नहीं, गोल्डन था, रेड कहाँ था, ये हाँ, मतलब गोल्डन से काला हो गया है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद इस घर पे आए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा धूल वगैरह था, तो ये काला हो गया है, काला जेरी, काला जेरी, काला सिंह जेरी। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ जेरी को आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा लगता है, कैसा लगता है, कैसा। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं मोनिर भाई के साथ, देख सकते हो, और अभी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे, मतलब मैं जो बचपन से जो जो स्कूल में पढ़ा हूँ वो सब स्कूल आप लोगों को मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो में बने रहो, बहुत मजा होने वाला है ना मुनीर भाई। बहुत मजा है, देख सकते हो हम लोगों का होम टाउन कैसा लग रहा है, गाइस कमेंट करके बताओ। मतलब कोई कंटेंट नहीं था तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को आज स्कूल ही दिखा देता हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मेरा लाइफ का फर्स्ट स्कूल में, देख सकते हो ये वाला स्कूल, और अभी ये गर्ल्स स्कूल हो गया है, देख सकते हो अभी रानी भवन विद्यालय है ना, लेकिन ये पहले कोएड स्कूल था, बॉयज गर्ल्स दोनों ही था, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट स्कूल की तरफ जाते हैं, यहाँ पर मैं नर्सरी, उसके बाद मतलब मैं भूल गया हूँ, मतलब मैं बहुत बचपन में ना स्कूल में पढ़ता था, और ये जो स्कूल देख रहे हो ये स्कूल में मैं 5 to 10 तक पढ़ा हूँ, देख सकते हो ये रहा, बहुत बड़ा कैंपस है भाई, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई अच्छी यादें नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर हॉस्टल में रख दिया था और इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा रोता था, है ना मुनीर भाई, मैं रोता था, बहुत रोता था कि मुझे घर जाना है, मुझे लेकर चलो। यहाँ पर मैं 2 साल ही था, लेकिन मैं कोलकाता कैंपस में ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन भाई क्या ही बोलूँ, बहुत ख़राब दिन था, क्योंकि मैं हॉस्टल में मेरा दम घुटता था भाई, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मेरा लाइफ का बेस्ट स्कूल, इधर आओ भाई, देख सकते हो ये वाला स्कूल ना मेरा लाइफ का बेस्ट स्कूल है, मतलब आपको क्या ही बोलूँ, स्कूल के साथ मेरा बहुत 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 यादें जुड़ा है ना मुनीर भाई। हम लोग स्कूल में बहुत इंजॉय किए हैं, हाँ ये स्कूल में हम लोग बहुत दादागिरी बदमाशी, ठीक है, बहुत कुछ किया है ना, बहुत कुछ है भाई। तो अंदर जाते हैं थोड़ा, जाएगा अंदर, जाएगा, चल घूम के आते हैं थोड़ा। स्कूल लाइफ में हम लोग सोचते थे कि भाई कब कॉलेज में जाएंगे, और अभी लग रहा है कि भाई ये लाइफ ही सबसे ज्यादा अच्छा रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि भाई 5 में फिर से एडमिशन ले लेते हैं और एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो हम लोग क्लास 11 में, हम लोगों का क्लासरूम कौन सा था, चलो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये वाला, और मतलब ये लाइन पे ही था, ये वाला साइंस का था, हाँ ये वाला साइंस का था, और वो वाला हम लोग का था आर्ट्स का, और यहाँ पर हम लोग क्लास बंक करके ना इधर आके हम लोग अड्डा मारते थे, है ना भाई, छुप जाते थे भाई, बहुत मतलब बहुत बहुत यादें हैं यहाँ पर, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही इमोशनल हो जा रहा हूँ, तो चलो ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा यहाँ पर रहेंगे तो, नहीं तो रोने रोने लग जाऊँगा अभी, तो चलो जाते हैं।
तो मैं घर आ गया हूँ और घर आते ही मैं देख रहा हूँ, अरे ये उठ गया, ये अभी सो रहा था। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, इसका आँख देखो, सो रहा था आराम। म्याऊं, डिस्टर्ब कर दिया। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। एक बिल्ली तो इधर सो रहा है और एक बिल्ली को दिखाता हूँ। देखो गाइस, और एक बिल्ली आराम से सो रही है। डिस्टर्ब करूँगा ना तो गाली पड़ेगा, उससे अच्छा उसे सोने ही देता हूँ। आई जेरी क्या कर रहा है, आजा 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 आजा। तो कुछ देर बाद इफ्तारी है गाइस, तो इफ्तारी में डायरेक्ट मिलते हैं। अभी मैं खाना वाना लेने जाऊंगा, उसके बाद हम लोग बोर्ड में इफ्तारी करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, बहुत मज़ा होने वाला है। तो गाइस जिया उठ चुकी है, देख सकते हो, और अभी मेकअप कर रही है। अभी हम लोग इफ्तारी पार्टी में जाने वाले हैं और ये तो आराम से सो रही थी, मैं वीडियो में दिखा दिया हूँ। और ये भी सो रहा था, देख सकते हो, गुलू मुलू आराम से सो रहे, हाँ आराम से सो रहे थे तुम दोनों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी पार्टी में, मतलब मैं मेरा पुराने दोस्त को इफ्तारी में बुलाया हूँ, तो चलो जाते हैं। देर हो जा रहा है, जल्दी करो यार, चलो लेट करता है लड़की, इतना लेट क्यों करता है मुझे समझ नहीं आता है। तो गाइस फाइनली हम लोग घाट में पहुंच गए हैं और इधर देख रहे हो हम लोग का बोट। ओ भाई साहब, जल्दी जल्दी रेडी करो, जल्दी 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 जल्दी। इधर जिया, इधर मुनीर भाई, इधर हमारा यूनिस भाई, और इधर साहिल दातू भाई। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग निकल चुके हैं बोट पे, देख सकते हो, और कितना शानदार लोकेशन, देख सकते हो व्यू, कितना शानदार व्यू है यहाँ पे। क्या है, शादी हो रहा है वहाँ पर, देखो बोट पे शादी कर रहा है, मतलब वेडिंग वेडिंग शूट कर रहा है। काश हम लोग का भी शादी ऐसे होता, है ना यूपी भाई। देख सकते हो इधर एक टाइगर है गाइस, ठीक है, छोटा टाइगर, इधर जंगली टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो हम लोग का इफ्तारी हो गया है और अभी हम लोग थोड़ा घूम रहे हैं, देख सकते हो भाई वेदर, देख सकते हो। हेलो हेलो, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है भाई, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। और अभी हम लोग पूरा बीच में है, देख सकते हो, बीच मतलब बीच नदी में है। तो हम लोग बहुत घूम लिए हैं, अभी हम लोग उतरने वाले हैं, देख सकते हो। और एक बात दिखा, कूद जा भाई, कूद जा कूद जा, कूद जा भाई, फाइनली अभी हम लोग क्या करने वाले, मछली पकड़ने वाले। मुंडे भाई, चलो चलो चलो, एक एक करके चलो, आ जाओ आ जाओ। कैसा लगा जिया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया ना। One hour later. तो लियो से ना मैं ब्लॉग कंटिन्यू करना भूल गया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, है ना, और मेरे साथ मुनीर भाई भी जा रहा है, और जिया और मम्मी और जेरी। तो जिया दिखाओ जेरी को। ये रहा हमारा जेरी, इस बास्केट के अंदर है, और ये है उसका छोटा सा टॉयलेट। जेरी, ये जेरी ना अभी सो जाएगा, क्योंकि ये जब भी एसी चलता है तब ये आराम से सो जाता है, और फिर उठेगा, कब उठेगा जेरी, घर जाने के बाद, घर जाने के बाद। देख रहा कितना बदमाश है, मुझे काटने की कोशिश कर रहा है जेरी, बदमाश जेरी, ठीक है, परेशान नहीं करूंगी, सो जाओ चुपचाप, बाय बाय जेरी बाबा बोलो। देख रहे हो जेरी कैसे बाहर निकल रहा है, देखो जेरी अभी पॉटी कैसे ढक रहा है। जेरी तुम ये क्या किया कार में, हा?
फटी कर दिया जेरी। छह जेरी गंदा बच्चा, गंद हो रहा है गाड़ी में जेरी, जल्दी करो। जेरी ये तूने क्या किया? ये चारों तरफ गंदी गंद। कितना है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कोलकाता में, और सामने ये गाड़ी में क्या लिखा है भाई, दिल जले, दिल जले, दिल जल गया। ये मूवी देखा तूने? नहीं, नहीं, तुमने देखा? कौन कौन देखा कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं तो नहीं देखा, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो चलो जाते हैं घर पे। खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, बोल थोड़े भाई, बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ था, पूरा ट्रैफिक लग गया था, और देख के भी बहुत खराब लगा। शायद लड़की चला रहा था ना, बाजू में एक लड़की खड़ी थी, ठीक है, इसलिए मैं बोला कोई भी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ था। मैं तो देखा ना, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अभी सिर्फ गाड़ी चलाऊं, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूं। लेकिन व्लॉग तो अभी ख़त्म करने का टाइम हो गया है, वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा आज के लिए, सिर्फ इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।